विद्यार्थियों सुप्रभात। आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों आइए हम सभी कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है कविता के बहाने और दूसरा शीर्षक है बात सीधी थी पर, जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। आइए हम सभी कविता वाचन से पहले कविता पढ़ने से पहले कुंवर नारायण के जीवन परिचय के बारे में जानें। कुंवर नारायण का जन्म सन 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, 1956 परिवेश, हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी काव्य प्रबंध, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण जी को जो प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आहसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे यहाँ लिखा कवि ने, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक द्वंद के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के अलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की दो कविताएं हमें पढ़नी हैं। पहली कविता का शीर्षक है कविता के बहाने, जो उनके संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है।
कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया के उड़ने की अपनी सीमा निश्चित है। फूल के खिलने तथा उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी एक प्रकार से शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की सीमा हो। कुंवर नारायण जी के द्वारा रची गई जो दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है बात सीधी थी। जो दूसरा संग्रह नहीं, संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव का अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। वह सहूलियत के साथ बड़े ही आसानी से हो जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ जो पहला कविता है, कविता के बहाने, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, इस कविता का वाचन किया जाता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस कविता का जो और शेष भाग है उसका वाचन करता हूँ मैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इस तरह से ये आपका पहला कविता है जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। इस कविता का जो सारांश है वो इस प्रकार है। जो पहला कविता है जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, उसमें उसका सारांश इस प्रकार है कि कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं। उनकी सीमा निश्चित है, परंतु कविता का क्षेत्र असीम है। उसके अंतर्गत जड़ चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है। इस तरह से कविता का क्षेत्र जो है असीम है, परंतु चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा, ये सभी का क्षेत्र सीमित है।
जबकि कविता का क्षेत्र असीम है। विद्यार्थियों, कविता का वाचन किया गया और जो इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण के जीवन परिचय के बारे में हम सभी जाने। अगले व्याख्यान में हम सभी कविता के महाने शीर्षक का उसका व्याख्या और शब्दार्थ प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।